अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? सॉल्यूशंस में जनरल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। ये मेरे पास सिंपल सा मैप रेडी है, इसमें मैं जस्ट रॉस एरोस ऐड करूँगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैप फोर पार्ट टू। ये आपके पास ये हमारे पास सिंपल सा रेडी है। इसमें मैं लेबलिंग करूँगा कि इस हमारे वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि ये देखें, ये मैंने इसमें सेटिंग की है और इसमें शेप ऐड की है। शेप ऐड करने के बाद ये आपके पास डायरेक्शन हिडन हो रही है। हिडन डायरेक्शन अगर आपके पास हो रही है तो सबसे पहले आप उसको सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे, मैं पहले इसको ग्रुपिंग कर लेता हूँ। ग्रुप कर लिया मैंने। ग्रुप करने के बाद मैं इसको कम करूँगा। ये मैंने कम कर लिया। सेम टू सेम मैं इस सेम शेप यहाँ पे भी लूँगा। ये मैंने ले ली। लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि मेरे पास नॉर्थ की तरफ क्या है, वेस्ट की तरफ क्या है, ईस्ट की तरफ क्या है, साउथ की तरफ क्या है। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। बिकॉज हमारे पास शेप डिफरेंट डायरेक्शन में है तो इस वजह से हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया। टेक्स्ट बॉक्स में मैंने यहाँ पर कर दिया गुलशन। गुलशन इकबाल। और यहाँ से इसको अनफिल करेंगे, नो आउटलाइन करेंगे। इसको हम इसका साइज भी कम करेंगे और ये हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे ताकि हमें इजीली पता चल जाए। ये मेरे पास गुलशन इकबाल का रोड है और यहाँ मैं एरो सेट करूँगा। ये मैंने यहाँ पे एरो सेट कर दिया। सेम टू सेम मैं यहाँ पर भी टैग सेट करूँगा। ये मैंने टैग सेट कर दिया। यहाँ पर मेरे पास मलीर है। सेम टू सेम सेम मैं यहाँ पर भी सबसे पहले इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। डायरेक्शन ही देखें, ये मैंने डायरेक्शन चेंज की। डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है लेकिन मैं इसे डाउनवर्ड की तरफ करूँगा। ये मैंने डाउनवर्ड की तरफ कर दिया। देन इसके बाद इसको फ्लिप कर देंगे वर्टिकल में। ये वर्टिकल में फ्लिप हो गया और ये मेरे पास आ गया। सेम टू सेम ये इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास ईस्ट की तरफ हमने मलीर, वेस्ट की तरफ हमने ले लिया। ईस्ट की तरफ आप कोई सभी एरिया
ऐड कर सकते हैं, बट जब हम ओरिजिनल मैपिंग करेंगे या फिर जब हम ओरिजिनल मैपिंग करते हैं, तो ओरिजिनल मैपिंग में आपको हमें देखना होता है कि कौन सा एरिया जो है किस तरफ है। ये सिंपल हमने रफली मैपिंग की है कि सिंपल अगर आपको मैपिंग करनी है तो वो मैपिंग कैसे करते हैं, तो हम अपनी मर्जी से इसमें कोई भी एरिया ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया ऐड सफूरा, और देन ये मेरे पास एक सिंपल, और यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे, यहाँ हमने ऐड नहीं किया, यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे। माई कॉलोनी रोड, ये सिंपल हमने माई कॉलोनी रोड इसमें ऐड कर दिया है। और ये सिंपल हमने ऐड कर दिया, लेबलिंग हमने कर दी है, एरोज की लेबलिंग कर दी है, और अदरवाइज आउटसाइड जो रोड है वो 10 फिट हैं और इनसाइड जो हैं वो हमारे पास 6 से 7 फिट रोड है। ये हमने सिंपल एक लेबलिंग कर दी है। देन इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कि अगर हम गुलशन की तरफ हैं तो गुलशन की तरफ हमें क्या मिलेगा। सिंपल अगर सिंपल मैंने एक बॉक्स बना दिया, अब देखें इसमें सिंपल मैंने एक बॉक्स बनाया है कि गुलशन की तरफ आप जाएंगे तो गुलशन हमारी कॉलोनी की तरफ से, अगर आप गुलशन की तरफ जाएंगे, गुलशन की तरफ गुलशन के रोड के पास ही हमारे पास डिफरेंट शॉप्स आ जाएंगी, शॉप्स देन रेस्टोरेंट, देन बैंक्स, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट बैंक्स, और राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एंड देन सुपर स्टोर स्टोर्स। ये हमारे पास एक सिंपल सा मैप रेडी हो गया है, मैप 4 पार्ट 2 में हमारे पास सिंपल ये हमारे पास मैपिंग हो गई है। इस मैपिंग में सिंपल हमें ये डिटेल बताई गई है कि जी हमारे पास रोड किस जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वो किस डायरेक्शन में हैं। डायरेक्शन में जाने के बाद अगर आप साइड में आप देखें ईस्ट की तरफ मैंने सफूरा भी लिखा है, तो सफूरा में अगर आप और पेज को इंक्रीज़ करेंगे तो और आप जो है बिल्डिंग ऐड कर सकते हैं। मलिर की तरफ, मलिर की साइड भी आप ऐड कर सकते हैं, माई कॉलोनी रोड की तरफ भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप माई कॉलोनी रोड पर आ रहे हैं, हमारे कॉलोनी के रोड पर आ रहे हैं, तो आपको कौन सी शॉप्स मिलेंगी। अदरवाइज़ इसमें आपके पास ये देखें हमने डिटेल्स ऐड की हैं, ये आप देख रहे होंगे,
ये आप देख रहे हैं कि इसमें हमने डिटेल सेट की हैं कि जी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है और अदरवाइज अदरवाइज हमने सिंपल इसमें शेप सेट की है। एंट्रेंस हमने नहीं लिखा है, एंट्रेंस जो है आपको खुद आप खुद देख सकते हैं, ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, ये हमारा एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है और ये सिंपल। ये हमारे पास डिटेल मैपिंग है क्योंकि हम इसमें और अगर एडिटिंग करते तो एक बहुत कंजस्टेड ये मैप हो जाता, बहुत प्रॉब्लम हो जाती, समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। और अगर आप इस मैप को देखें तो मैप में बहुत से वैल्यूज़ ऐड होने की वजह से, मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड होने की वजह से और डायरेक्शन ऐड होने की वजह से जो है ये बहुत कंजस्टेड लग रहा है। अदरवाइज़ जो सिंपल जो और प्रोफेशनल मैपिंग होती है, प्रोफेशनल मैपिंग में आपके पास कोई वैल्यू नहीं होंगी, कोई वैल्यू आपके पास नहीं मिलेगी और अदरवाइज़ एरोज़ नहीं मिलेंगे। एरोज़ कुछ मैपिंग में कम होते हैं और बहुत सी मैपिंग ऐसी होती हैं जिसमें एरोस होते नहीं हैं। सिंपल पता होता है कि जी लेंथ अगर है तो लेंथ कितनी है तो हाइट कितनी है, और वैल्यूज़ भी ऐसी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है मैपिंग में सिंपल पता चल जाता है कि जी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लेंथ कितनी हो सकती है और हाइट कितनी हो सकती है। मैप 5 में इंशाल्लाह हम सिंपल एक मैपिंग करेंगे और उस मैपिंग में हम ये देखेंगे कि अगर सिंपल हमारे पास ये ओवरऑल एरोस और डिटेल्स में अगर मैपिंग ना हो, वैल्यूज़ ना हो, तो वो मैपिंग कैसे की जाती है। ड्यूरिंग द मैपिंग ये सिंपल बहुत मैपिंग बहुत ही सिंपल ये मैपिंग है और इस मैपिंग में हमने मैंने आपसे कहा कि जी ये शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बैंक्स हैं, स्कूल्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, इसमें हम और लेबलिंग ऐड कर सकते हैं, बट हम और लेबलिंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मेन जो हमारा फोकस है वो ये है, हमारी कॉलोनी है। और देन नेक्स्ट जो हमारे पास मैप आएगा, मैप फाइव में सिंपल हमारे पास मैपिंग होगी और उसमें सिंपल वैल्यूज़ ऐड होंगी और मिनिमम एरोज जो है उसमें ऐड होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।